हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा ब्लॉग। में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशा आप लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। तो आज है देखिए सैटरडे और हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं बनता। तो ये देखिए मैं करेला का भाजी काट रही हूँ। और मतलब जिस दिन लहसुन प्याज नहीं बनता है तो पता नहीं चलता क्या बनाया क्या नहीं। और वो देखिए मेरा बेटा सो के उठा हुआ है और मैं यहाँ सब्जी काट रही हूँ। लौकी लाए हैं, करेला है, तो लौकी का भाजी बनेगा और करेला का भी भाजी, चावल और पापड़, बैंगन भाजा, बैंगन का भाजी, ये सब बनेगा। तो ये देखिए चॉपर में मैं इसे चॉप कर ले रही हूँ। लौकी हुआ, फिर बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं इसमें जल्दी जल्दी चॉप हो जाते हैं और इजीली मतलब टाइम बिना वेस्ट के जल्दी से हो जाता तो अच्छा भी रहता है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और ऐसे छुरी से काटने से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मुझे ये चॉपर बहुत अच्छा लगता है। मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ इससे। और काटने के बाद बस मैं खाना बनाने चल दूँगी। आज घर में बहुत काम पड़ा हुआ था, तो काम पड़ा हुआ था तो सब काम करना था। तो अभी ठंड का दिन गया है तो पूरा घर जो है मेरा पुराना है तो पूरा डैम्प हुआ पड़ा रहता है। तो उससे क्या होता है, जो बिस्तर वगैरह है पूरे अजीब स्मेल आते हैं। तो आज मैं देखी कड़ा धूप है तो उसे सारे बिस्तर को मैं बाहर निकाल दूँगी, जिससे अच्छे से मतलब जो बदबू है वो निकल जाएगा और अच्छा से धूप लग जाएगा। तो ये देखिए आप लोग से बातें करते करते मेरा सब्जी भी कट गया। ये देखिए कितना अच्छा से बारीक कट चुका है लौकी। ये देखिए कितना बारीक कटा। और ये देखिए मेरे ससुर जी आज सुबह सुबह राशन लाए थे, तो वही मैं चावल और गेहूँ खाली कर रही थी। एक भी थैला में रखने से ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं डब्बे में रख दे रही हूँ। तो ये देखिए डब्बे में आराम से हट गया, इसे मैं अब रख दूँगी। और गेहूँ को पहले चुन लूँगी, उसके बाद फिर पिसाने दूँगी। मैं धोती नहीं हूँ क्योंकि मैं सुखाने का जगह नहीं है और धोने में बहुत टाइम भी लगता है। सूखने में टाइम लगता है क्योंकि यहाँ मेरा जगह नहीं है सूखने के लिए। नीचे उतना धूप नहीं लगता है इसलिए मैं नहीं धोती हूँ। डायरेक्ट मैं चुन चान के मशीन में दे देती हूँ पीसने के लिए। और ये देखिए कुछ चावल थोड़ा नीचे गिर गया था, उसे उठा लूँगी। कि चावल तो हमारी लक्ष्मी माता है और उनको पाँव नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं देखिए बीन के एक एक दो चावल बीन के रख लूँगी। और गेहूँ को मैं बाद में चुनूँगी, उसे हटा के रख दूँगी। तो ये देखिए मैंने डब्बे पूरे पैक कर लिए। और यहाँ पर अब था नाश्ता वास्ता करने के बाद, देखिए पानी का बोतल वगैरह खाली होगा तो उसे भर के फ्रिज में रखना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा बेटा और मैं दोनों मिलके बोतल भर के फ्रिज में रख देंगे, जिससे गर्मियों में तो ठंडा पानी लगता है, ठंडा पानी पीने में भी अच्छा लगता है। ज़्यादा ज़्यादा पानी पी लेते हैं ज़्यादा। मेरे घर में पानी ज़्यादा लगता है क्योंकि मेरे ससुर भी ज़्यादा पानी पीते हैं और मेरा बेटा भी, क्योंकि ठंडा पानी पीने में तो सभी को अच्छा लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बोतल खाली हो जाते हैं। इसलिए सुबह का ड्यूटी रहता है भरने का। चलिए कोई बात नहीं, पानी पीना अच्छा बात है सेहत के लिए भी। तो ये देखिए मैं उसके लिए अपने बेटे के लिए छोटे छोटे बोतल रखती हूँ क्योंकि उसका आदत है मुँह लगा के पीने के लिए, इसीलिए मैं उसे छोटे छोटे अलग बोतल में देती हूँ और बड़े बोतल में हम लोग बड़े लोग पीते हैं। तो ये देखिए मैं सारे बोतल रख दूँगी फ्रिज में और बस फ्रिज चालू कर दूँगी। मॉर्निंग के टाइम में मैं फ्रिज चालू करती हूँ 9 बजे के तकरीबन, और फिर शाम 6 बजे तक चलता है, उसके बाद मैं बंद कर देती हूँ। क्योंकि सोने के टाइम रात को हम लोग फ्रिज नहीं चालू करके सोते हैं, क्योंकि अगर वेदर का कोई ठीक नहीं, अगर बिजली भी चमकेगा तो फ्रिज ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए मैं शाम 6 बजे तक ही चलाती हूँ। और ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे पीने में तो अच्छा लगता है लेकिन हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये देखिए वहाँ पानी होने का काम ख़त्म करके यहाँ पे जितने भी पिल्लो थे वो मैं एक मैट बिछा कर उसके ऊपर रख दी हूँ, सारे धूप लग जाएंगे अच्छे से, तो जो बदबू होता है वो निकल जाता है। और देखेगा अच्छा खिला के बिस्तर जो है अच्छा ही, जो बेड स्मेल रहता है वो निकल जाता है। मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, जो नाश्ते का बर्तन था और जो मैंने चॉपिंग किया था सब्जी वगैरह, तो उसे मैं धो के हटा दूँगी। मैं संग संग ये सारा काम कर लेती हूँ, नहीं तो बाद में पड़ा है। तो मॉर्निंग का काम तो मैंने सुबह ही कर लिया था, आज मैं जल्दी उठी थी 5 बजे, तो घर पोछा कपड़ा भी बहुत था धोने का, दोनों घर के बेडशीट वगैरह थे,
पिलो कवर थे, पिलो कवर ही हमारे 8 पिलो कवर है, ये सब धोने में टाइम लग जाता है। फिर डेली के कपड़े थे हम लोग के, वो थे ये सब धोने में। और मैं सैटरडे दोनों घर के बेडशीट तो ये देखिए जो चॉपर्स थे, जो ब्लेड होते हैं उसमें सब अटक जाते हैं। मैं पिछली बार जो सब्जी काट के ना उसके अंदर ही रह गया था, मैं भूल गई थी धोना, तो आज मुझे नजर आया तो मैं उसे अच्छे से धो दूँगी। नहीं तो वो सूखने के बाद क्या होता है, अजीब हो जाता है, और किसी किसी में तो कीड़ा भी लग जाता है, कभी कदाल हो जाता है बाई मिस्टेक। तो चलिए मैं नहीं देखी अगला, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। तो ये देखिए मेरा लौकी आम लगभग रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मेरा हल्दी ज़्यादा पड़ गया था, मैं ऐसे कम हल्दी डाल के बनाती हूँ, तो जाने दीजिए, हाथ है भाई, कभी गलती हो ही जाती है। अब यहाँ पे लौकी मेरा पूरा रेडी हो चुका है, इसमें थोड़ा चीनी वगैरह ऐड करके ऐसे कढ़ाई से निकाल कर दूसरे बर्तन में रख दूँगी, और कढ़ाई को मांजने के लिए रख दूँगी। वहाँ मेरा देखिए दाल सीटी दे रहा है, दाल हो जाएगा बस, तो मेरा खाना भी हो जाएगा। फिर मुझे बेटे का स्कूल भी जाना था, गूगल से 2-4 बुक नहीं मिले थे वो लेने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। ये देखिए मेरा दाल, यहाँ उस वाले ओवन में थोड़ा कम ये लगता है, आँच लगता है, इसलिए मैं इस ओवन में बैठा दी। अब मैं बाटी खोज रही हूँ, बाटी में निकाल लूँगी जो कढ़ाई में लौकी की जो भाजी बनी है। और आज के लिए मैंने बैंगन आलू टमाटर दे के सब्जी बनाया है, क्योंकि निरामिष बिना लहसुन प्याज का अच्छा है, वो अच्छा लगता है, खाइएगा तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी लगता है। तो ये और बस, और गर्मियों में तो ऐसे ही आलस के दिन होते हैं, बहुत ही आलस लगता है मुझे, पता नहीं सबको ठंड में आलस लगती है, मुझे गर्मी में आलस लगती है। तो ये मैं खाली कर दी हूँ, और मैं इसे ढक दूँगी प्लेट वगैरह से, और कढ़ाई जो है मारने के लिए बेसन में रख दूँगी। तब तक मेरे यहाँ दाल भी हो जाएगा, और फिर बस ये आ भी जाएंगे तो मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाऊँगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग खा पी कर, मेरा काम हो गया था सारा, तो मैं यहाँ गोम था तो गोम को चुन लूँगी। तो ये देखिए आज गोम भी जो था वो बहुत गंदा था, बहुत, ये जो चलनी है ना, चलनी से चालने से क्या होता है, देखिए जो बारीक बारीक रहते हैं गंदगी वो नीचे निकल जाती है, इसलिए मैं चलनी से चाल लेती हूँ। तो बस अब ये चालने के बाद मैं आटा पिसवाने दे दूँगी। बस वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो के में, तब तक के लिए बाय बाय।